मेरा थीम ये है बीन्स, शिमला, गाजर, इधर देखो इधर इधर चाउमीन बॉयल करके मैं रखी हूँ। सारी सब्जियाँ को हल्का सा पहले भून लेंगे। तो देखिए मैं सारा सब्जियाँ कटिंग हो गया है और इसमें तेल डाल के सब सब्जी को निकाल लेंगे भून के। पहले सब्जी को थोड़ा सा तेल डाली कढ़ाई में, इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बस हल्का, थोड़ा सा इसमें नमक डाल के। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ दोस्तों चाउमीन, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसीलिए, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद फिर इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। बस ये हो गया है, अब इसी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चाउमीन को भून के, जिस तरीके से सब्जी भुनी उसी तरीके से चाउमीन भी भून के निकाल लेंगे। और उसके बाद एक कढ़ाई में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग बने रहिए वीडियो में, किस तरीके से मैं बना रही हूँ चाउमीन। इसको पहले भून के अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए अब ये सब्जी जो है मेरा भून गया है, निकाल लेंगे। भून गया, कितना अच्छा है, कलर भी है और थोड़ा सा इसका जो कच्चापन था वो भी खत्म हो गया है। तो इसको भून के निकाल ली मैं अच्छे से। अब क्या करेंगे, यही कढ़ाई में, अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी रिफाइन, इसमें रिफाइन ऑयल और थोड़ा सा गर्म करेंगे। इधर देखिएगा चाउमीन, इसको बॉयल कर दी थी मैं, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दी थी ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया है ना अर्ची, थोड़ा ज़्यादा उबल गया है, कुछ करने लगी थी दोस्तों इसीलिए थोड़ा ज़्यादा उबल गया। इतना नहीं उबालना है, बस थोड़ा इसमें कच्चापन रहना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा ही उबल गया ये, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इसका भी आराम से। तो इसका मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा चाउमीन है। तो इसको पहले, मेरा चाउमीन बनाने का दूसरा तरीका है दोस्तों, आप लोग देखिए इस तरीके से मेरी मौसी बनाती है चाउमीन, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको क्या करती है ना, पहले सब्जी को पहले फ्राई करके हल्का निकाल लेगी, फिर चाउमीन को भी हल्का सा, उसके बाद एक फिर बड़ा कढ़ाई लेगी, उसमें सारा चाउमीन सब्जी मिक्स करेगी, सारा सॉस सब डाल के, उसके बाद फिर सबको सर्व कर देगी। तो मैं अभी तो नहीं सर्व करूँगी पूरा बना के, क्योंकि इसमें मेरा बेटा बोला है अंडा मिलाने के लिए, तो पहले बाहर में जाके अंडा भुर्जी बनाऊँगी। सारा चाउमीन जो भी है मेरा, ये जो भी चाउमीन है सबको अलग अलग एक एक करके अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पहले भून लूँगी चाउमीन को। सब्जी तो मेरा भून ही गया है, उसके बाद एक कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी सॉस के साथ, फिर बाहर में ले जाके अंडा भुर्जी बना के उसमें मिला के मिक्स कर दूँगी, तो मेरा चाउमीन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए थोड़ा भून लेंगे दोनों साइड, दोनों साइड से पहले इसको भून लेंगे अच्छे से, उसके बाद प्लेट में निकाल लूँगी, फिर इसको भी भून लेंगे, उसके बाद फिर सारा सब्जी को मिक्स कर देंगे। आप लोग देखते रहिए कैसे मैं बनाती हूँ। देखिए दोस्तों सारा मेरा चाउमीन फ्राई हो गया है, अब इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से मैं चाउमीन बनाती हूँ, जब ज़्यादा चाउमीन बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आज ब्रेकफास्ट जो है ना चाउमीन से ही होगा, हैवी ज़्यादा ज़्यादा खाएगा ना अच्छे। और ये क्या करेंगे, अब ये सब्जी और ये चाउमीन दोनों को मिक्स करेंगे वहाँ बाहर में ले जाके अंडा के साथ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप, देखिए इधर ये है चाउमीन और ये है सब्जी, और इधर आधिया बना रही है अंडा। बना कैसे बना, अरे वैसे नहीं फटता है, हे भगवान, बनाइए अपने, जल्दी जल्दी डालना होगा बहुत सारा। तो आप कीजिए ना, उसको नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारा बचा ही है, हटो हटो बना दे, हटो तुम, हटो ना पापा करेंगे, हाथ से फटेगा उसको, काहे की मारो, डालो जब डालते जाओ फटाफट से, सॉस भी डालेंगे, सॉस भी नहीं डालेंगे ऐसे ही, हाँ डालो और थोड़ा और डालो, अरे अब भर के डालो ना, अरे यार पूरा सा हाथ से और डालो और दे, सब मिल के बना रहे हैं चाउमीन। जीरा पाउडर ला बेटा, बैठ जा, जीरा पाउडर तुमको पता, आधे दो जीरा पाउडर ला, जीरा पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालो और काली मिर्च का भी होगा, ढक्कन में लेके दो, इतना
काली मिर्च वाला पाउडर तो आ दिया। थोड़ा डालना, अरे उतना ऊपर से नीचे चलो उड़ रहा है, बस छोड़ो। हो गया, बन गया। ऐसे क्या होता है ना कि चाउमीन और सब्जी जो है ना अच्छा से भून जाता है अलग अलग भूनने पे। ज़्यादा बनाइए तो उसी तरीके से बनाइए, एक बार में बन जाएगा बहुत सारा। तो ऐसे मैं बनाती हूँ, चाउमीन अलग, सब्जी अलग, और ये एक अगर एक चाउमीन बना रहे हैं तो फिर एक अलग डाल के बनाइए। मटर में मटर चाउमीन में मटर कौन डालता है? डालो, आराम आराम से डालो। अब बड़ा ही रहने दीजिए ना, इसको दीजिए ना चाउमीन को, साथ में सब भून जाएगा। नहीं हो जाएगा, सब भुना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस मिलाना है। चाउमीन भी भुना हुआ है, सब्जी भी भुना हुआ है, और एक तो भुना ही है, बस सबको मिला के थोड़ा सॉस डाल दीजिए ना, वो वेनेगर डालिए ना, वेनेगर यहाँ डालेंगे ना सब एक में, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा वेनेगर डालो, थोड़ा सा वेनेगर इसमें लिखे डाल लिया आप, सोया सॉस मत डालिए, डालिए क्या, उनको बिना सोया सॉस का अच्छा लगता है। चलो ऊपर से टोमेटो सॉस लेके खा लेगा सर, सब भुना ज़्यादा मत चलाइए, अभी सब मिला दीजिए, तेल टूट जाएगा, चिली सॉस ऊपर से लेगा। अरे नहीं यार, ये मिलाना नहीं है, वेनेगर नहीं है ना, पूरा फैला दीजिए, अच्छा फैलाइए ना सर, पूरा पूरा कढ़ाई में। बन गया चाउमीन, बन गया क्या, और क्या देना, उनके पास और कुछ नहीं देना, सॉस भी देना है, सॉस ऊपर से लेके खाएंगे, वो पानी नल खुला हुआ है। सब मिल के बनाए क्रिसमस डे का एक चाउमीन, धूप में बैठने में ठंड में अच्छा लगता है। बन गया, प्लेट ले आओ ठीक से, अरे गिर रहा है, सटाक करो, हटो ना, हम कर देते हैं, मेरे में थोड़ा देना, ज़्यादा मत देना, और हम इसमें नहीं खाएंगे, छोटा प्लेट में, हटो ना, हम कर दे रहे हैं। कैसा बना चाउमीन? यम्मी, मजा आ गया। अर्चित को तो बहुत पसंद है, कल से ही बोल रहा है मम्मा चाउमीन बनाइए, एक चाउमीन दिखाओ, इधर फेस दिखाओ, चाइनीज देखिए मेरा है ये, आइए आपका इंतजार, चाउमीन, एक चाउमीन स्पेशल, क्रिसमस स्पेशल है ना, क्रिसमस स्पेशल चाउमीन। बाय बाय दोस्तों, मैं ब्लॉग यहीं बैंड करती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय, हैप्पी क्रिसमस डे, इन्जॉय, फिर मिलते हैं।